सकते हैं। एक शून्य के दिया है 2/5 और एक शून्य के दिया हुआ है आपके पास 4। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग इसका द्विघात बहुपद निकालते हैं। द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा यहाँ पर, पी एक्स इक्वल टू में कॉन्स्टेंट के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस शून्य को का योग, यानी कि 2/5 और प्लस का 4 इंटू एक्स और प्लस में शून्य को का गुणनफल, यानी 2/5 और गुणा में 4। चलिए यहाँ पर देखिए के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस, अंदर एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 5, 2 और प्लस का 20 इंटू एक्स। ठीक है, और यहाँ पर प्लस का आ जाएगा 8/5। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, आ जाएगा के इंटू में अंदर एलसीएम ले लें क्या, एलसीएम हो जाएगा 5 एक्स स्क्वायर माइनस का 22x और प्लस का 8। तो अगर एक कॉन्स्टेंट से ये 5 हटाते हैं तो लिख सकते हैं कि जो हमारा अभीष्ट बहुपद होगा, अभीष्ट बहुपद वह हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस का 22x प्लस का 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5।